तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 मॉडल बजाज की पल्सर 150 अपग्रेडेबल वेरिएंट, यानी कि फुल्ली अपडेटेड हो चुकी है 150 पल्सर, जो कि सिंगल सीट के साथ आज हमारे पास है। तो गाइस आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे कि पल्सर 150 अपग्रेडेबल मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं 2024 में, क्या नए बदलाव देखने मिलते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट प्राइस देखने को मिल जाती है। तो गाइस अगर आप लोग भी 150cc की पल्सर लेने वाले हैं सिंगल सीट मॉडल, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चले गए मेहनत अच्छे लगे तो प्लीज अब तक एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चले गए शुरू करते हैं, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि पल्सर 150 अपग्रेडेबल मॉडल का जो प्राइस है ना सिंगल सीट मॉडल का, वो पहले से बढ़ चुकी है। तो अब इस समय इसकी जो एक्सम प्राइस है वो है 113,900 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। ऑन रोड प्राइस जो पड़ेगा वो पड़ेगा 1,39,000 टू 1,40,000 के बीच में, यानी कि 1,39,000 से 1,40,000 के बीच में आपको ये बाइक आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी सिंगल सीट मॉडल। तो गाइस ये तो हो गए इसके प्राइस की बात, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। उससे पहले हम अगले बदलाव की बात करते हैं, तो वो इसके ग्राफिक्स में मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर कर पा रहे होंगे तो इसमें आपको नई ग्राफिक्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको 150 का स्टिकर मिल जाता है लाइनिंग वाला, व्हाइट कलर में रेड कलर के ग्राफिक के साथ, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो गाइस इस बाइक का जो लुक है ना, ये आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट से इसका जो लुक है ना वही सेम रखा गया है, इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे वाइजर के ऊपर आपको बजाज की बैचिंग, यहाँ पे देखेंगे रेड एंड कार्बन एडिशन वाली ग्राफिक्स मिल जाती है। सुपर फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर मिलता है, जो कि बल्ब मिलती है। हेडलाइट आपको वही सेम आपको 35x35 वाट का हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट लुक में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। फ्रंट फेंडर आप देख सकते हैं कार्बन एडिशन के ग्राफिक के साथ देखने को मिल रही है। फ्रंट सस्पेंशन और टायर साइज की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सस्पेंशन वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल रही है। फ्रंट ब्रेक जो मिलेगा वो आपको 280mm का डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है विद सिंगल चैनल ABS के साथ। और यहाँ पे देखेंगे जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिल रहा है 90/90 का, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिलती है अलावेल के साथ। तो टायर साइज सस्पेंशन क्वालिटी वही सेम रखा गया है, लेकिन हाँ साइड प्रोफाइल आप देखेंगे ना बिल्कुल चेंज बिल्कुल नई हो चुकी है इस ग्राफिक्स की वजह से ना। अब जो पल्सर 150 जो है ना अपग्रेडेबल मॉडल, ये मुझे काफी बेहतरीन लग रही है। और अगर हम आते हैं हैंडल बार पे और अगले बदलाव के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो अगला बदलाव मिलता है स्विचेस में मिलती है। तो पहले जो लो बीम और हाई बीम जो पासिंग स्विच मिलता था वो अलग अलग मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखें इंटीग्रेटेड लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इन्फो स्विच मिल जाती है, यानी कि मूड स्विच मिल जाएगा। राइट हैंडल बार पर इंजन किल स्विच सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बदलाव की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा बदलाव है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले सेमी डिस्टोमेटर कंसोल मिलता था, अब फुल्ली डिस्टोमेटर कंसोल देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम यानी कि ब्लूटूथ कनेक्शन सिस्टम भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखेंगे IFE डिस्टेंस सिंपैथी AFE क्लॉक लो फोन इंडिकेटर लो फोन बैटरी इंडिकेटर RPM इंडिकेटर, और यहाँ पे देखेंगे कॉलेज में सेलर सिस्टम नोटिफिकेशन देखने मिल जाती है। तो मीटर कंसोल पहले से और ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे तो साइड में अगला बदलाव कि अब इसमें आपको USB पोर्ट चार्जर देखने को मिल रही है। तो गाइस ब्लूटूथ के साथ इसमें आपको USB पोर्ट चार्जर भी देखने को मिल रही है। फ्यूल टैंक पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक का ग्राफिक्स जो है ना पहले से बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक पे प्री इंस्टॉल टैंक पैड देखने मिल जाती है, जो कि पल्सर सीरीज की ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। दोनों साइड में आपको सिल्वर कलर में पल्सर का 3D एम्बर लोगो, यहाँ पे देख सकते हैं काउल और फ्यूल टैंक में, लेकिन 150 का जो रेड एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ जो डिज़ाइन मिलता है ना इस फॉन्ट के साथ, ये मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना वही सेम आपको 15 लीटर की देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इंजन जो मिलेगा वॉक मिलता है 149.50cc का 2-valve ट्विन स्पार्क DTSI ट्विन स्पार्क DTSI BS6 फेस ट्विन मिल जाता है। ODT सेंसर मैक्स पावर जो मिलेगा वो मिलता है 14 PS का 8,500 RPM पे। मैक्स टॉर्क आपको 13.25 Nm का 6,500 RPM पे। तो गाइस जो टॉर्क है जो पावर है ना वही सेम रखा गया है। यहाँ पे देखिए इंजन का जो मिलता है जो काफी प्यारा लगता है। 5-speed गियर बॉक्स मिल जाती है, साइड स्टेयरिंग में इंजन कट ऑफ सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे आपको की लगाने की जगह मिल जाती है जिससे आपको ये साइड बॉक्स ओपन कर सकते हैं। सीट पे आएंगे तो गाइस यहाँ पे देखेंगे सीट जो मिलता है ना काफी बेहतरीन मिलती है। पहली बात, ये सिंगल सीट मॉडल है, ये स्प्लिट सीट मॉडल नहीं है। तो अगर आप लोग को लंबी सीट चाहिए, आपकी घर की लेडीज जो है ना कंफर्टेबली राइड करें, सिंगल सीट बाइक आपको चाहिए, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं। और इसकी जो कुशनिंग मिलती है ना काफी जबरदस्त काफी बेहतरीन लगती है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइडर सीट पिलर राइडर सीट दोनों आपको काफी अच्छे कुशनिंग के साथ देखने को मिल रही है। पुराने वाले के कंपेरिजन जो सीटिंग कम्फर्ट है ना ज्यादा बेस्ट है। ब्लैक कलर में पिलर ग्रैब, और यहाँ पे देखेंगे
150 का वाइट कलर में स्टिकर, ब्लैक एंड के कहते हैं कार्बोनेट जो हमें ग्राफिक मिल जाती है, रेड कलर की ग्राफिक के साथ, जो कि काफ़ी प्यारी लगती है देखने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पिलियन फुटेज, लेडी फुटेज सारी गार्ड मिल जाती है, फुल कवर चैन मिल जाती है। तो आपकी जो घर की लेडीज़ है ना, इस बाइक पर कंफर्टेबली राइड कर सकती हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो गाइस आपको बता दें रियर टेल लाइट जो है ना वही सेम मिलता है, वही सेम आपको स्प्लिट LED टेल लाइट मिल जाती है, पल्स सीरीज वाला, इसमें आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरे साइड से, तो यहाँ पे भी आपको 150 का स्टिकर मिल जाता है नए ग्राफिक के साथ। रियर सस्पेंशन पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रियर सस्पेंशन जो मिलता है ना आपको, वही सेम आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्ब गैस फिल्ड विद कनेस्टर सस्पेंशन देखने को मिल रही है। रियर ब्रेक आपको 130 mm का डंबे का सपोर्ट मिल जाता है विद RLP पैनल के साथ। रियर जो टायर मिलेगा 100/90 का 17 inch का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है। तो गाइज ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन। और यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक और सेल्फ ड्राइविंग सुविधा देखने को मिल रही है। तो गाइज ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिल जाता है 2055 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, हाइट 1060 mm, विड्थ जो मिलेगा वॉक मिलता है 765 mm, व्हील बेस 1320 mm, कर्व वेट 148 kg देखने को मिल जाती है। तो गाइज अब फाइनली बात करते हैं कि इस बाइक में आपको कितने चेंजेस मिलते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो पहला, इसकी कीमत बढ़ चुकी है। दूसरा, ग्राफिक्स अपडेट हो चुके हैं। तीसरा, इसमें आपको USB पोर्ट चार्जर मिल जाता है। चौथा, यहाँ पे देखेंगे स्विचेस चेंज हो चुके हैं। पांचवा, स्मार्टफोन कनेक्शन सिस्टम मिल जाता है। छठा, डिजिटल मीटर कंसोल। सातवां, USB पोर्ट चार्जर, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सिस्टम देखने को मिल जाती है। तो गाइज इतने सारे चेंजेस 150 में आपको देखने को मिलता है अपग्रेडेबल मॉडल में 2024 में। तो ये जो अपडेट है ना, आप लोग कैसे लगे पल्सर 150 में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग की बाइक अच्छी लगी, ये नए अपडेट अच्छे लगे, तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। कोई डाउट है, कोई सवाल करना है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, हेलमेट यूज करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।